उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं और कैसे बनते हैं? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अब उपसर्ग की परिभाषा, जो शब्दांश उसके आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात भाषा के वे छोटे से छोटा सार्थक खंड जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जब किसी मूल शब्द के साथ कोई उपसर्ग जुड़ता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है या विशेषता उत्पन्न होती है, जैसे उप प्लस कार उपकार, आ प्लस गमन आगमन, वी प्लस नाश विनाश, सम प्लस हार संहार। जो उपसर्ग के छह भेद हैं, पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग, पांचवा उर्दू के उपसर्ग, छठवा उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। बच्चों, संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर वी आ नि अधि अपि अति सु उत उद अभि प्रति परि तथा उप। उदाहरण, जैसे पहला है अति, अति से अतिशय अतिरेक, अधि से अधिपति अध्यक्ष, अधि से अध्ययन अध्यापन, अनु अनुक्रम अनुताप अनुज, अनु से अनुकरण अनुमोदन, अपकर्ष अपमान, दूसरा अप विरुद्ध होंगे, उपकार अपकार अपजय, अपि अपिधान अक्षदान, अभि अभिनंदन अभिलाप, अभि अभिमुख अभिनय, अभि अभ्युत्थान अभ्युदय, अव अवगणना अवतरण, अव अवकृपा अवगुण, आ आकंठ आजन्म, अ आरक्त आ आगमन आदान, आ आक्रमण आकलन, उत उत्कर्ष उत्तीर्ण उद्दीज, उप उपाध्यक्ष उपदिशा, उप उपग्रह उपवेद उपनेत्र, दुस और दुराशा दुरुक्ति दुर्चिन्ह दुर्कृत्य, नि निमग्न निबंध, नि निकामी निजोर, निर निरंजन निराशा, निस निष्फल निश्चल निशेष, परा पराजय पराभव, परि परिपाक परिपूर्ण परिमिति परिश्रम परिवार, प्र प्रकोप प्रबल प्रपिता। हिंदी के उपसर्ग, अभाव निषेध अछूता अथा अटल, अब अभाव निषेध अनमोल अनबन अनपढ़, कु यानी कि बुरा, कुचाल कुचेला कुचक्र। दु का अर्थ है कम या बुरा, दुबला दुलारा दुधारू, नि यानी कि कमी, निगोड़ा निडर निहत्ता निकम्मा, औ यानी कि हीन, अवगुण अवघर अवसर अवसान, भर यानी कि पूरा भरपेट भरपूर भरसक भरमार, सु अच्छा सुडौल सुजान सुफल सुघड़, अध यानी कि आधा अधपका अधकच्चा अधमरा अधकचरा, उन एक कम 29 59 69 39, पर दूसरा या बाद का, परलोक परोपकार परसर्ग परहित, बिन बिना या निषेध, बिन ब्याह बिन बादल बिन पाए बिन जाने। यह अरबी फारसी के उपसर्ग, कम यानी इसका अर्थ है थोड़ा, और कमजोर कमबख्त कम अक्ल, खुश अच्छा खुशनबी खुश नसीब खुशखबरी खुशहाल खुशबू, गैर का निषेध, गैर हाजिर गैर कानूनी गैर मुल्क गैर जिम्मेदार, बा यानी कि अभाव, ना यानी कि अभाव, ना पसंद ना समझ नाराज नालायक, ब और अनुसार बनाम बदौलत बस्तूर बदस्तूर बगैर, बा सहित बाकायदा बाइज्जत बाअदब बा मौका, बद बदमाश बदनाम बदकिस्मत बदबू, बे बेईमान
बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ, ला लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब, सर, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार, हम यानी कि साथ वाला, हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम, हर यानी कि प्रत्येक, हर दिन, हर एक, हर बार, हर साल। अब है बच्चों अंग्रेजी के उपसर्ग एवं उनसे बने शब्द। उपसर्ग है हेड, अर्थ है उसका प्रमुख, उदाहरण हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। दूसरा शब्द है सब छोटा, सब जज, सब रजिस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। एक्स यानी कि मुक्त, एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट, एक्स प्रिंसिपल। हाफ आधा, हाफ हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज, हाफ पेंट। डिप्टी प्रतिनिधि, स्थान पत्र, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मैनेजर, डिप्टी कलेक्टर। वाइस उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल सामान्य, जनरल मैनेजर, जनरल इंश्योरेंस, जनरल सेक्रेटरी। चीफ मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर। बच्चों अब हैं उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। अल निश्चित, अलबत्ता, कम थोड़ा, कमजोर, कमबख्त, कम उम्र, कम अक्ल, कम समझ। खुश अच्छे के अर्थ में, खुशबू, खुशहाल, खुश दिल, खुशहाली। गैर निषेध, गैर कानूनी, गैर सरकारी। दर मैं, दरकार, दरअसल। फी मैं और पर, फिलहाल, फी आदमी। बे बिना, बेकाम, बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेनाम। नेक्स्ट ला यानी कि बिना, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। एन ठीक, एन वक्त। बिल बिल, बगैर और बिना, बिना कसूर, बिना लिहाज। बिन रहित, बिन कसूर, बिन काम। अब है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। स्व, स्व से स्व, धन, देश, स्वदेश। स्वधन, धर्म, स्वधर्म। लिस्त से तिरस, धनकार, तिरस्कार। तिरस से तिरस, धनकृत, तिरस्कृत।